साथियों, भाजपा जम्मू के साथ हुए ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते 10 सालों में जम्मू को IIT, IIM और एम्स जैसे बड़े संस्थान मिले हैं। कठुआ और सांबा जिले के कंडी क्षेत्र में भी नई सड़कें बनवाई जा रही है। चत्तरगला टनल बनने से कठुआ और डोडा की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। कांग्रेस बॉर्डर के गांवों को आखिरी गांव मानती थी, भाजपा ने इनको पहला गांव बनाया है। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमा से सटे गांवों का विकास किया जा रहा है। यहां जम्मू रिंग रोड पर भी तेजी से काम चल रहा है। इससे यहां जाम की समस्या तो कम होगी ही, आसपास की तहसीलों के दर्जनों गांवों को फायदा होगा। साथियों, आज जम्मू की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। जम्मू एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने बाह किले से महामाया मंदिर तक रोपवे को भी शुरू किया है। जम्मू रीजन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्थानों को विकसित किया जा रहा है। गराना वेटलैंड्स, सुरिनसर झील और BSF चुंगी पोस्ट में हो रहा काम आपके सामने है। यहां जब तभी रिवर फ्रंट बनकर तैयार हो जाएगा, जब तभी के किनारे आरती होगी, तो सबके लिए कितना मनोरम दृश्य होगा। साथियों, इलाज हो, मेडिकल की, पैरामेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई हो, इसको लेकर तो जम्मू में अभूतपूर्व काम हुए हैं। विजयपुर में एम्स बन चुका है। यहां स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी शुरू हो चुका है। हड्डियों से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए इतना बड़ा और आधुनिक अस्पताल यहां बना है। कठुआ में मेडिकल कॉलेज बनने से एक बहुत बड़े इलाके को सुविधा हुई है। यहां बहुत सारे कॉलेज भी बनाए गए हैं। आने वाले समय में जम्मू के विकास के काम और तेज होने वाले हैं। साथियों, मैं यहां के व्यापारी कारोबारी समाज को, हमारे नौजवानों से भी कहूंगा कि आने वाला समय आपके लिए भी अवसरों से भरा हुआ समय है। हमारा प्रयास है कि जम्मू में ज्यादा से ज्यादा, यहां नए कारखाने लगे ताकि नौजवानों को यहीं अपने अपने जिलों में ही रोजगार मिले। इसके लिए भी जम्मू कश्मीर भाजपा ने अनेक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। हमने सरकारी भर्तियों में भी पारदर्शी है।
पहले सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिलती थी जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के खास होते थे। अब इस पुराने सिस्टम को फिर से लौटने नहीं देना है। अब जम्मू कश्मीर में हर नौजवान को उसका हक और सम्मान मिलेगा। साथियों, भाजपा का प्रयास है कि माताओं, बहनों, बेटियों का आर्थिक सशक्तिकरण हो। हमारा प्रयास यह है कि परिवार की कमाई में माताओं, बहनों, बेटियों का योगदान बढ़े। इसलिए हम बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद दे रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर की बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। भाजपा ने बहनों को खेती के लिए ड्रोन पायलट बनाने की भी बड़ी योजना शुरू की है। इससे जम्मू की अनेक बहनों को ट्रेनिंग भी मिलेगी और सरकार से ड्रोन भी मिलेगी। जम्मू कश्मीर भाजपा ने माताओं, बहनों के खाते में भी हर महीने हजारों रुपये जमा करने की घोषणा की है। साथियों, इलाज का खर्च जीरो, बिजली का बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली से कमाई, ये भाजपा का संकल्प है। और इसलिए यहां हर परिवार को गोल्डन कार्ड की सुविधा मिली है। मैंने सोशल मीडिया पर यहां के एक बुजुर्ग की बातें सुनी है। वो बता रहे थे कि गोल्डन कार्ड से 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और उनके बेटे का भी मुफ्त इलाज हुआ है। गोल्डन कार्ड से उनका जीवन भी बच रहा है, जो महंगा इलाज करा ही नहीं पाते थे। मुझे खुशी है कि अब जम्मू कश्मीर भाजपा ने मुफ्त इलाज की रकम को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का वायदा किया है। साथियों, आपका सेहत पर होने वाला खर्च तो बच ही रहा है, हम आपका बिजली का बिल भी जीरो करना चाहते हैं। मुफ्त बिजली नहीं, बिजली से कमाई भी हो, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। The Prime Minister, during the course of the election campaign there in Jammu and Kashmir, holding a rally in Jammu, has criticized the criticized dynastic politics there. He's launched an attack on the opposition, saying that the people of Jammu and Kashmir are tired of the three families and the Congress only brought destruction in Jammu. It's asked proof of the surgical strike. Let's take a listen. जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते हैं।
यहां के लोग अमन शांति चाहते हैं, यहां के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं और इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। 8 अक्टूबर को मां के नवरात्र के दिन नतीजे आएंगे और हम सब तो माता वैष्णो देवी की साया में पले बड़े हैं और 12 अक्टूबर को विजयादशमी है। इस बार की विजयादशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, जम्मू की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार। ये जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। मैं विशेष रूप से इस जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र की लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। इस मौके को छोड़ना नहीं है, चूकना नहीं है। भाजपा की जो सरकार यहां बनेगी वो आपकी हर पीड़ा को दूर करेगी। All right, I'm going to go across to Sunil ji, but for more details, a scathing attack there from the Prime Minister talking about once again dynastic politics, and that essentially has destroyed Jammu and Kashmir is what he said. Sunil. As well as on the PDP. Prime Minister in his address here at Jammu's Maulana Azad Stadium said that these three parties have ruined Jammu and Kashmir. That's what the accusation of Prime Minister was. But what was unique about this address is that for the first time, Prime Minister Narendra Modi said that BJP was going to form its government in Jammu and Kashmir on its own and BJP is going to get full majority. That's what the Prime Minister claimed. Now, how is this going to happen? That time will tell. But Prime Minister Narendra Modi boosting the morale of the BJP workers here and also exuding confidence that BJP will form the government. You can see that.
enthusiasm of the BJP cadre here. We will talk to some of the BJP workers. प्रधानमंत्री ने जो आज बात कही कि बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाएगी, क्या कहेंगे? हम 100% है हमारा कि बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। हमारा सीएम होगा, हमारा डोगरा परिवार से सीएम होगा। हम प्रार्थनाएं भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही हमने सभी ने वोट देना है। यू कैन सी द एंथुसियाज्म ऑफ द बीजेपी वर्कर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड अ मैसिव रैली हियर इन जम्मू सिटी एंड नाउ यू कैन सी द मोरल ऑफ द बीजेपी वर्कर्स। स्नेहा, बीजेपी इज ट्राइंग टू विन ऑल 24 असेंबली सीट्स दैट आर गोइंग टू द पोल्स इन जम्मू रीजन इन द थर्ड फेज। 40 असेंबली सेगमेंट्स आर गोइंग टू द पोल्स इन द थर्ड फेज एंड दैट इंक्लूड्स 24 फ्रॉम जम्मू रीजन एंड दीज seats are in the four Hindu majority districts of Jammu region and the aim of the BJP is to win all these 24 seats and this phase is going to be crucial for the BJP as well as for the Congress. Whosoever performs well will have an advantage when the results come and when the talk of the government formation will come to the fore. The enthusiastic workers there. मोदी जी ने बहुत ही अच्छा संबोधन दिया। उन्होंने हम सब महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी, हमारे जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए क्लियरली स्नेहा, द कैंपेनिंग फॉर द थर्ड फेज ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ इन इट्स लास्ट लेग। टुमारो द कैंपेनिंग विल एंड एंड जस्ट अहेड ऑफ दैट Prime Minister Narendra Modi has come. He has campaigned for the BJP candidates and Congress party is also not left behind. Congress's star campaigner Priyanka Gandhi is going to campaign in Jammu region today. She is also going to address two rallies. Sneha, back to you. All right. So you have, in fact, Jammu and Kashmir turning into a complete political battlefield there with the Prime Minister campaigning in Jammu, from where Sunil is reporting on, heading out at the parties. National Conference, the PDP and the Congress speaking about dynastic politics there.